नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नई सुबह रहनमाई प्रोग्राम के करियर काउंसलिंग सेशंस के साथ मैं हूं सलीम ताहिर। आज के सेशन में हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि आप अपने बच्चों के टैलेंट को किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बच्चों के अंदर मौजूद सलाहियतों को, खूबियों को निखार सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं और उनको किस तरीके से बरूएकार लाते हुए उनके लिए मुस्तकबिल में एक बेहतरीन पेशे का इंतखाब करने में मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अर्ली एज में ही अपने बच्चों की सलाहियतों को पहचानना शुरू करें, जैसे कि हम आपको पिछले सेशंस के अंदर बता भी चुके हैं। इस सिलसिले में हम आज आपको कुछ मज़ीद चीज़ें बताएंगे। तो जब आपको ये आइडिया हो जाए कि आपके बच्चे के अंदर कौन सी खूबी मौजूद है, कौन सी इंटेलिजेंस मौजूद है, तो फिर आपको कौन कौन से इकदाम उठाने हैं उस हवाले से हम आज के सेशन में गुफ्तगू करेंगे। नंबर वन, नो प्रेशर। आप अपने बच्चों पर किसी किस्म का कोई प्रेशर, कोई दबाव ना डालें कि वो किस तरीके से काम को करें या वो क्या काम करें। उन्हें अपने तरीके से काम को करने की इजाज़त दीजिए। नंबर टू, अप्रिशिएट योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। आप अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर अप्रिशिएट करना सीखिए, इससे आपके बच्चों में मज़ीद बेहतर काम करने की हौसला अफजाई पैदा होगी। अगर आप ये महसूस करें कि ये कोई ऐसा काम नहीं जिस पर बच्चे को अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन फिर भी आप उसे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो काम आपके नज़दीक छोटा हो सकता है, आपके बच्चे के नज़दीक वो बहुत बड़ा काम है जो कि उसने सर अंजाम दिया है। तो आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखिए, छोटी छोटी बातों पर उनकी तारीफ करना सीखिए, दूसरों के सामने अप्रिशिएट कीजिए ताकि उनके अंदर मज़ीद बेहतर काम करने का हौसला पैदा हो। नंबर थ्री, अवॉइड मिस्टेक्स। आप अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखिए। अगर आपका बच्चा किसी काम को दुरुस्त तरीके से नहीं कर पा रहा तो आप उसकी गलतियों पर उसकी सरजनिश ना कीजिए, बल्कि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और आप उसे ये बताइए कि हम तमाम लोग गलतियों ही से सीखते हैं। उसे गलतियों से सीखना सिखाइए, न कि आप उसे गलतियों पर डांटें या आप उसकी सरजनिश करें। आप अपने बच्चे को ये बताइए कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो गलती हम एक दफ़ा करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आइंदा वो गलती ना करें। इस तरीके से आपके बच्चे के अंदर बेहतर काम करने और दुरुस्त काम करने का जज्बा पैदा होगा। नंबर फोर, अ हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिलेशनशिप कायम कीजिए। आप अपने बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटने के बजाय उनसे मोहब्बत का रवैया कायम रखिए। किसी चीज़ में नाकाम होने पर उसकी हौसला अफजाई कीजिए और उसे आगे बढ़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कीजिए। उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक उस्तवार रखिए, उसके साथ मोहब्बत और शफकत का रवैया कायम रखिए। ये चीज़ आपके बच्चे को नाकामियों से मायूस होने से बचाएगी और आपके बच्चे को अपने टैलेंट पर फोकस करने में मदद फराहम करेगी। नंबर फाइव, बी ओपन फॉर योर चाइल्ड आइडियाज। अगर आपका बच्चा अपने टैलेंट के हवाले से किसी किस्म का कोई आइडिया लेकर आपके पास आता है तो आप उसके आइडिया को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए और उसको इस हवाले से फैसिलिटेट कीजिए कि वो जो आइडिया रखता है उस पर वो अमल दरामद करे। भले वो उसमें शुरुआत में नाकाम रहे, लेकिन आपकी जानिब से हौसला अफजाई का सिलसिला बरकरार रखना चाहिए। आप अपने बच्चों के आइडियाज़ को अहमियत ज़रूर दीजिए। अगर वो आपके पास किसी किस्म का कोई आइडिया लेकर आते हैं तो आप उसे ज़रूर अहमियत दीजिए। आप उसे ये समझकर नज़रअंदाज ना कीजिए कि ये एक छोटा बच्चा है और इसका आइडिया कोई काबिले अमल नहीं। आप ऐसा करने के बजाय अपने बच्चों के आइडियाज़ पर ज़रूर गौर कीजिए और उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि आप उनके आइडियाज़ को अहमियत देते हैं। नंबर सिक्स, प्रेज एफर्ट्स। आप अपने बच्चों की एफर्ट की तारीफ ज़रूर करें। वो जो कोशिश करें, वो जिस काम में मेहनत करें, आप उसकी ज़रूर तारीफ करें। आपका तारीफ करना आपके बच्चे को आगे बढ़ने में मदद फराहम करेगा। याद रखिए कि हर बच्चा अपने अंदर कुछ अलग सलाहियत रखता होता है। आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो किसी दूसरे बच्चे की नेचुरल सलाहियत का मुकाबला करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई दूसरा बच्चा मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का हामिल है और वो हिसाबों किताब में आपके बच्चे से बेहतर है, तो आप अपने बच्चे की एफर्ट पर उसकी तारीफ कीजिए, ना कि अपने बच्चे को उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करें। आप अपने बच्चे की एफर्ट पर उसकी तारीफ करें कि आपने अच्छी कोशिश की। याद रखिए कि उस बच्चे के पास ये इंटेलिजेंस बाय बर्थ है जो कि आपके बच्चे के अंदर मौजूद नहीं,
यकीनन आपके बच्चे के अंदर कोई दूसरी सलाहियत मौजूद होगी जो कि उस बच्चे के अंदर मौजूद नहीं होगी। नंबर 7, इनकरेज मिमिक्री टू लर्न स्किल्स। अपने बच्चे को इनकरेज कीजिए कि वो किसी आइडियल की नकल करे, उसे कॉपी करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे के अंदर सिंगिंग का टैलेंट मौजूद है तो वो किसी प्रोफेशनल सिंगर को कॉपी करने की कोशिश करें। आप उसमें इसकी हौसला अफजाई कीजिए क्योंकि हर शख्स को सीखने के लिए किसी न किसी आइडियल की ज़रूरत होती है। नंबर 8, प्रैक्टिस एंड परसिवियरेंस। आप मुस्तकिल मिजाजी से अपने बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करवाइए। मशहूर मकूला है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। अगर वो बार बार गलती करें तो उन्हें बार बार उनके टैलेंट के हिसाब से प्रैक्टिस करवाइए कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करके सबक सीखें। और एंड में सिंगलनेस ऑफ पर्पस। आपको अपने बच्चे के अंदर किसी एक सलाहियत को निखारने में तवज्जो मरकूज करनी है और इसी पर ही मुस्तकिल मिजाजी से काम करना है और अपने बच्चे को भी उसी एक टैलेंट पर, उसी एक सलाहियत पर फोकस करवाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ अरसे तक अपने बच्चे के अंदर एक टैलेंट को इनहेंस करने के लिए प्रैक्टिस करवाएं लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद आप ये काम छोड़कर किसी और टैलेंट की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज कर दें। इससे आपका बच्चा डबल माइंडेड होगा और वो कुछ भी सीख नहीं पाएगा, वो किसी भी सलाहियत को निखार नहीं पाएगा। लिहाजा आपको किसी एक सलाहियत को चूज करना है जो भी आपके बच्चे का टैलेंट होगा और फिर उसी पर ही आपको अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज करनी है और इसी के रिगार्डिंग आपको अपने बच्चे की तमाम तर मदद करनी है। तो इन तमाम पॉइंट्स के जरिए आप अपने बच्चों की सलाहियत को मजीद निखार सकते हैं, अपने बच्चों की एबिलिटीज़ को, उनके टैलेंट को इनहेंस कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल में एक दुरुस्त पेशा मुंतखब करने में मदद फ्राहम कर सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।